दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय आत्मा प्रकाश कायस्था एंड सन्स सुजानपुर। रोजगार का सुनहरा मौका मैसेज आरके एंड कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर व टांडा में ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट के करीब 20 पद भरे जाएंगे। इसके लिए ओटीए में डिप्लोमा व पैरामेडिकल काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही लैब टेक्नीशियन के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। लैब टेक्नीशियन के लिए DMLT का अनिवार्य है। पैरामेडिकल काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश में आवेदनकर्ता पंजीकृत होना चाहिए। दोनों ही पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा इस मेल पर भेजें। भारतीय जन कल्याण समिति के मुख्य सलाहकार प्रकाश शर्मा के सौजन्य से गुरुवार को हमीरपुर के साई बलियुट जीवी रोहलवी पंथेड़ व झमरेड़ में मास्क सैनिटाइजर और साबुन बांटे गए। इस दौरान समिति सदस्यों द्वारा भी ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा कोरोना महामारी से कैसे लड़ा जा सकता है इस बारे में भी ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि समाज सेवी प्रकाश शर्मा दिल्ली से समय समय पर मास्क व सैनिटाइजर की खेप भेज रहे हैं। करा कुछ करना। मैं किरण ठाकुर गांव झमरेड़ा निवासी आप मेरी भारतीय जन कल्याण समिति के जो अध्यक्ष राकेश पठानी है जो और समिति के सदस्य जो आज मेरे गांव में आके मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने आए हैं उसके लिए मैं अपने पूरे गांव वासियों की तरफ से समिति के सभी सदस्यों का अध्यक्ष राकेश पठानिया जी का और समिति के मुख्य सलाहकार श्री प्रकाश चंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं तथा आगे भी अपनी कृपा दृष्टि हमारे महिला मंडल पर हमारे गांव पर बनाए रखने के लिए उनसे आग्रह करती हूं। इसी के साथ जोर से बोलेंगे श्री प्रकाश शर्मा जी जिंदाबाद, भारतीय जन कल्याण समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जी का जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं निर्मला देवी महिला मंडल पंजाली। प्रकाश शर्मा जी ने मास्क और सैनिटाइजर साबुन भेंट किए। हम तहे दिल से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में राकेश पठानिया जी पर उनके सहयोगी हमारे गांव में आए, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। गांव लाड़ की सचिव नजीर बीबी, अपने अध्यक्ष राकेश पठानिया व प्रकाश शर्मा जी का जिनके सौजन्य से हमें मास्क सैनिटाइजर व साबुन वितरित किए गए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस कोरोना संकट की घड़ी में इन्होंने हमारा हर कदम हर पल हर घड़ी साथ दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी इतने दूर रहते हुए भी हमारे दिलों में बस रहे हैं, हर घड़ी हर पल हमारा साथ दे रहे हैं। ये पहले भी जैसे आपको पता है हमें मास्क दिए गए, उसके बाद हमें दोबारा राशन वितरित किया गया, अब हमें फिर मास्क राशन और सैनिटाइजर और साबुन वितरित किए गए। तो राशन दिया को पैसा दिया, आज सैनिटाइजर साबुन बांटने को पैसा दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। मेरी माता बहनों जब भी झमरेड़ा में आएंगे देने ही आएंगे, देने कुछ नहीं आएंगे। अगर जीवन में कोई ले कभी लेने के आएंगे तो आप माता बहनों का आशीर्वाद लेने आएंगे और कुछ नहीं देने आएंगे। ये बात आपने गांठ बांध के रखना। कुछ लोग होते हैं जो भटकाते हैं। आपका महिला मंडल जो है भारतीय जन कल्याण समिति के साथ यूं ही टिका रहे, क्योंकि समिति जो की ओर से प्रकाश शर्मा की ओर से आपको 4-5 साल में आपके महिला मंडल के पास हर चीज होगी, अपनी होगी, चाहे भट्टी की बात हो, दरी की बात हो, चाहे वाटर प्रूफ टेंट की बात हो, पिल्लों की बात हो, ग्लासों की बात हो, प्रकाश शर्मा जी हर चीज देंगे। लेकिन भारतीय जन कल्याण समिति सब टिके रहना। जब भी आपको किरण ठाकुर कुछ कहे कोई फोन करके हम इनको बुलाएं, अगर आने को कहे तो आपने आना है, ठीक है। आज भारतीय जन कल्याण समिति में प्रकाश शर्मा जी की धर्मपत्नी जी का आज जन्मदिन है, बहुत बड़ा दिन है। और आज ही के दिन में भारतीय जन कल्याण समिति ने अपना कार्यालय जो है सड़का में दिया है, एक कार्यालय हमारा कोई में बढ़ रहा है पक्का कार्यालय और एक सड़क में दिया है। इसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप प्रकाश शर्मा जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आगे भी ये सेवा बिल्कुल जारी रहेगी, सेवा जो निरंतर प्रकाश शर्मा की जारी रहेगी। आज हम आपको साबुन मास्क वगैरह ये भेंट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि किरण ठाकुर जी जो है हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, जब भी इन्हें बताते हैं तो एकदम आती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।
अगर आप सुजानपुर शहर के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो अब आपको दवाइयां इत्यादि लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सुजानपुर शहर के सुप्रसिद्ध दवाई विक्रेता मैसर्ज आत्मा प्रकाश कायस्था एंड संस नजदीक सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर एक बेहतरीन कदम उठाते हुए शहर के न्यूनतम 300 रुपए मूल्य और शहर के बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में 600 रुपए मूल्य की दवाइयां बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपके घर तक पहुंचाने के कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, इसके लिए आपको जिस किसी भी प्रकार की दवाई की आवश्यकता हो तो आप फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के जरिए से उन दवाइयों की लिस्ट भेज सकते हैं। दवाइयां बुक करवाने के लिए इन फोन नंबरों पर संपर्क करें 9418084618, 8894318787। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के इस काल में पिछले 1-2 दिन के अंदर काफी सारी रियायतें केंद्र सरकार ने और हिमाचल सरकार ने दी हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना महामारी से हम लोगों ने निजात पा ली है, बल्कि सरकारों के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। तो उस विकल्प के लिए मेरी हिमाचल वासियों से यही प्रार्थना है कि जिस तरह हमने 4 महीने में पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ में कोरोना महामारी से लड़ाई करी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सब उन उपायों पर गौर करें। नंबर 1 कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। वहां पे जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो, बसेस में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर। और दूसरा, आप मास्क पहने जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो, क्योंकि तो आपको ये नहीं पता कि उनमें से कौन सा व्यक्ति पीड़ित है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहें, छोटा हैंड सैनिटाइजर हमेशा पॉकेट में रखें और हो सके तो ग्लव्स पहन के रखें जब आप बाहर किसी नई जगह पे जाएं या किसी अनजान आदमी से मिलें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित रहें और हमारी सेवाएं लेते रहें। धन्यवाद।